दोस्तों वैसे तो ये लड़का अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और ये इस सोफे को फेंक करके नया सोफा खरीद सकता है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि इस सोफे को इसके पापा ने अपने पहले इनकम से इसके लिए खरीदा था। इस सोफे से इस लड़के को बहुत ही ज्यादा लगाव होता है और अब ये इसके पापा की आखिरी निशानी होती है जो इसके पास अभी तक बच रही होती है और ये इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन ये सोफा इतना ज्यादा रद्द हो चुका था कि इसमें अब चूहे रहने लग गए थे। तो ये लड़का सोचता है कि सोफा को फेंकने से अच्छा है इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। अब देखना ये है कि ये कैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है और क्या यह देखने में फिर से सुंदर दिखने लग जाएगा। लेकिन वो देखने से पहले आप पापा और आईफोन में से किसे चूज करोगे? पापा को चूज करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पापा के आगे इस आईफोन का क्या ही वैल्यू। और लास्ट में ये लड़का अपने पापा की यादों को संभालते हुए इतना ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में बता देना और अपने पापा के लिए कमेंट में एक स्माइल चिपका देना।